दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं, तहे दिल से आभार। डे बाय डे फैमिली का साइज तो बड़ा हो ही रहा है और नए नए एंटरप्रेन्योर फार्मर्स भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल भी समझ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में एक आपके पेशेंस और एक परसिस्टेंस, ये दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाइव स्टॉक पे काम करते हैं। जिस भाई, जिस किसान भाई, जिस एंटरप्रेन्योर, जिस बिजनेसमैन के अंदर पेशेंस हो, वो ही इस इंडस्ट्री में आए और इन्जॉय करे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एल्गल ब्लूम। ये बहुत सारे किसानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनका पानी एकदम डार्क ग्रीनिश हो जाता है और उस पर एल्गल बोलते हैं, जो काई टाइप हो जाती है आपकी वाटर बॉडी में, उसका ब्लूम क्रिएट हो गया है। तो हम उसे कैसे प्रिवेंट करें, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चार पांच चीजें बेसिक बताऊंगा वो कैसे कंट्रोल करें, और ये भी आपको शेयर करूंगा वो होता क्यों है। दोस्तों, अगर आपकी वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम हो रहा है तो सबसे पहले आप देखिए कि आप उसमें एरिएशन कैसे कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से पानी में हलचल मचाइए, चाहे आप एरिएटर लगाइए मैकेनिकल सिस्टम से, चाहे एक हाइट से पानी को डालिए, और जितने हम पानी के फाइन पार्टिकल्स करते हैं उतना वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि हम किसी भी माध्यम से वहां पे हम एरिएशन कर सकते हैं। दूसरा, हम ये चेक करिए कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी से, किसी भी स्लज पंप को यूज करके या साइफन पंप को यूज करके, जो नीचे उसका स्लज इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट एक्सक्रीटा, उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, या हम उसको टाइम टाइम स्लज मैनेजमेंट करें, सोयल प्रोबायोटिक यूज करें जिससे वो डिकम्पोज फास्ट हो। क्योंकि उसके कारण जो हम लोग बाग फीडिंग करते हैं, रॉ फीडिंग करते हैं, पाउडर फॉर्म में फीडिंग करते हैं, वो सब की सब नीचे बैठती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं और एक्स्ट्रा फास्फोरस पहुंचता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम राइज होती है। तीसरा, आप फास्फोरस को लिमिटेड यूज करें। लोग बाग है ना, आग बंद करके एनपीके यूरिया सब डालते रहते हैं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए अपने एरिया के अकॉर्डिंग, फिश की स्पीसीज के अकॉर्डिंग, वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। आप आग बंद करके कुछ ना डालें पानी में, क्योंकि जो भी आप पानी में ऐड करते हैं वो एक कॉस्ट होती है, बड़े ध्यान रखना है आपको फास्फोरस। और दूसरा, आपको अपनी क्लाइमेट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि आप कंट्री के किस कोने में एक्वाकल्चर कर रहे हैं और आपके क्या क्लाइमेट कंडीशंस है, कब ह्यूमिडिटी है, कब टेम्परेचर है, कब बरसात हो रही है, कब क्लाउडी हो रहा है, कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, कब कम है। एंड एक पांचवी मेन चीज, अपने वाटर पैरामीटर्स रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं होती एक्वाकल्चर में। ओवरनाइट तभी होती है जब कहीं ना कहीं हमारा इक्विपमेंट होता है और हमारे इक्विपमेंट से कुछ मिसमैनेजमेंट होता है। अगर आप वाटर पैरामीटर रेगुलर मेजर करते रहोगे तो आप एल्गल ब्लूम को होने नहीं देंगे। लेकिन वो ना हो उसके लिए गुड क्वालिटी फीड यूज कीजिए, रेगुलर वाटर पैरामीटर चेक कीजिए, कोई भी अननेसेसरी या कोई ऐसी चीज की जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बहुत जल्दी उसमें घुल जाए, वो सेटल डाउन हो जाएगी उसमें, क्या नाम, उसके बेस पे जाके वहां से प्रॉब्लम राइज होती है। आप ऐसे प्रोबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि जो आपके सेटल डाउन हो रहे हैं उस न्यूट्रिशन को दोबारा से जू प्लांकटोन कॉपी पॉट्स में कन्वर्ट करें, उसको फिश कंज्यूम कर ले। तो ऐसे प्रोबायोटिक्स रेगुलर यूज कीजिए। दोस्तों, मेरा बहुत फोकस रहता है फीड पे और मेडिसिन पे। आप पर केजी बायोमास, कोई भी मछली आपका कल्चर कर रहे हो, आप 4 से 5 रुपए पर केजी बायोमास फर्स्ट डे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें, तब अपनी प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन करें। उसमें आपके, चाहे वो फीड सप्लीमेंट हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे सैनिटाइजर हो, डिसइंफेक्टेंट हो, स्पेशली प्रोबायोटिक्स हो, वो सब उसमें कंसोलिडेटेड हो जाते हैं और आपकी मछलियों की हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप ये सब एक्टिविटी। दोस्तों, एक प्रूवन फार्मर, मैं जो भी बोलता हूँ या जो भी मैं अपनी वीडियो में डिस्क्राइब करता हूँ, वो सब चीजें मैं इंप्लीमेंट करके ही बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, बट आप उन सब चीजों को अपने फार्म पे इंप्लीमेंट कीजिए। वाटर टेस्टिंग किट लेके आइए। मैंने अभी एक सेमिनार में गया था, वहां पे 25 फार्मर्स थे जो लास्ट के मोर देन 20 ईयर से फार्मिंग कर रहे हैं। मैंने 25 के 25 से पूछा किसी के पास वाटर टेस्टिंग किट है। वो ठीक है, वो ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं गांव, किसी के पास नहीं थी, लेकिन सबकी कंप्लेंट थी कि उनकी मछलियां ऊपर आ जाती हैं, उनकी मछलियां मर जाती है, उस पे धब्बे हो जाते हैं, उसके गिल खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक ट्रीटमेंट ही नहीं पता है तो आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? तो एल्गल ब्लूम को अपनी वाटर बॉडी में ना बनने दें और ये 5 बेसिक पॉइंट फॉलो करें। धन्यवाद।